नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार सरकार, वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डन रूफटॉप। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा वो 7 प्लांट्स जो कि लकी प्लांट्स होता है। तो दोस्तों चलिए, मैं शुरू करने से पहले मैं अपना जो इधर अपने घर का जो मंदिर है उसको मैं दिखाना चाहता हूँ। तो पहले देखिए ये जो मंदिर, ये मंदिर टॉप में मैं कुछ प्लांट्स भी जो कि हिबिस्कस का प्लांट्स कुछ ग्रो कर रहे हैं। तो ये मेरा मंदिर है। तो पहला जो प्लांट्स की मैं बात करूँगा, वो पहला जो प्लांट का मैं बात करूँगा वो है तुलसी प्लांट, जो कि क्योंकि इसको होली बसिल भी बोला जाता है। तो दोस्तों ये तुलसी प्लांट जो है एक गुड फॉर्चून प्लांट है, फिनेंशियल सक्सेस भी लाता है, माना जाता है कि ये फिनेंशियल सक्सेस के लिए बहुत ही अच्छा है। तो तुलसी प्लांट ग्रो करना बहुत ईजी है, कुछ भी मतलब जो है आप कैसे भी पॉट में आप इसको ग्रो कर सकते हैं। और ये डिफरेंट टाइप्स का होता है, जैसे रामा तुलसी, कृष्ण तुलसी, देन बना तुलसी, और भी कई प्रकार के तुलसी होता है। तो दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छा एक लकी प्लांट है, आप इसको बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो इसका जो है ये इसका जो मंजरी निकलता है उसका सीड्स आप कहीं पे भी डाल दीजिए, ग्रो हो जाता है। तो मेरे पास जो है बहुत सारा इसका पौधा है, देखिए ये भी है, और ये देखिए ये पेंट का डब्बे में कुछ पौधा जो है अभी जो ग्रो कर रहे हैं। तो ये प्लांट जो है बहुत ही एक जैसे इसका पूजा किया जाता है, ये जो एक बहुत ही पावरफुल एक हर्ब भी है, बहुत ज़्यादा इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है। और दोस्तों देखिए ये तुलसी का जो प्लांट है, ये देखिए कितने सारे ये जो पॉट है आप देख रहे हैं, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉट मतलब छोटे बड़े जिसमें भी मतलब इसमें आप इसको डालेंगे तो वहीं मतलब कहना ग्रो हो जाता है। केवल जो है वेल्ड मिट्टी होना चाहिए, और इसमें जो है थोड़ा बहुत आप इसमें वर्मी कंपोस्ट या तो काउडंग मैन्यूर आप थोड़ा थोड़ा मतलब 3-4 महीने में एक बार अगर आप डाल देंगे तो ये अच्छी तरह ग्रो कर जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट प्लांट जो है वो है मनी प्लांट, आप देख रहे हैं ये मैंने इसमें जो मेरा ग्रिल है इस ग्रिल में मतलब ये इसमें ग्रो कर रहे हैं। तो ये देखिए ये पॉट में ग्रो हो रहा है और ये मतलब सॉइल में ग्रो कर रहे हैं, इससे इसको जो है आप वाटर में भी आप ग्रो कर सकते हैं। तो ये देखिए कितना बढ़िया इसमें ग्रो हो रहा है। इसके लिए दोस्तों ये जो है इनडायरेक्ट लाइट, ब्राइट सनलाइट में ये अच्छा ग्रो करता है। इसको आप पानी में भी मतलब आप ग्रो कर सकते हैं। इसको जैसे ये देख रहे हैं आप, ये जो रूट्स आप देख रहे हैं इसको यहाँ से काट करके आप मतलब छोटा छोटा काट करके आप पानी में डाल दीजिए, ग्रो हो जाता है। तो वन ऑफ द बेस्ट लकी प्लांट ये जो है मनी प्लांट। तो मनी प्लांट जो है मनी को भी अट्रैक्ट करता है, तो इसलिए ये जो है प्रॉस्पेरिटी बढ़ाता है। तो ये एक अच्छा मतलब लकी प्लांट है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्लांट के लिए, दोस्तों नेक्स्ट प्लांट जो है वो है लकी बम्बू। तो नाम ही इसका लकी बम्बू है। तो इसके जो है ये बहुत ही एक अच्छा लकी प्लांट है। तो इसको आप वाटर में और सॉइल में भी ग्रो कर सकते हैं। ये गुड लक एंड गुड फॉर्चून के लिए माना जाता है। इसका जो पावर है, इस पावर जो इसका जो शक्ति है वो बैड एनर्जी ये ख़त्म करता है, और पॉजिटिव एनर्जी को जो है ये फैलाता है। तो पॉजिटिव एनर्जी से मतलब घर की जो वातावरण है वो अच्छा होता है, साथ में जो है आपकी लक भी मतलब कहना अच्छा हो जाता है। तो दोस्तों ये लकी बम्बू जो है बहुत आसानी से इसको ग्रो किया जा सकता है। ये पानी में सॉइल में भी ग्रो कर सकते हैं। ये एक इंडोर प्लांट है, आप ब्राइट लाइट जहाँ पे हो, ज़्यादातर मतलब आप ईस्ट में जो है मतलब ईस्ट में आप इसको रखेंगे तो अच्छा माना जाता है, या तो आप साउथ ईस्ट में इसको रखेंगे तो अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों ये एक लकी प्लांट है, घर के लिए आप बहुत आसानी से इसको ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट जो प्लांट है ये स्नेक प्लांट, ये भी एक लकी प्लांट है। तो ये लकी प्लांट के साथ साथ
एक बहुत अच्छा एयर प्योरीफायर भी है। ये जो ज़्यादातर मतलब कहना जो टॉक्सिन है एयर में उसको ये क्लीन करता है, और ये बहुत ही इजी ग्रो कर सकते हैं आप इसको इंडोर में। इंडोर प्लांट है और इंडोर में जो है जहाँ ब्राइट लाइट है वहाँ आप इसको आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ज़्यादातर मतलब ये जो प्लांट है ये नाइट में ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, तो ये जो प्लांट आप स्नेक प्लांट ये पॉजिटिव एनर्जी को मतलब पॉजिटिव एनर्जी देता है, तो इस प्लांट को भी एक बहुत ही अच्छा लकी प्लांट माना जाता है। तो दोस्तों इसको आसानी से आप ग्रो कर सकते हैं, इसका जो बेबी मतलब इसको कटिंग से आप ग्रो कर सकते हैं, इसका जो बेबी बेबी प्लांट है इसको निकाल इसको सेग्रीगेट करके आप दूसरे पॉट में डालिए और आसानी से ये ग्रो हो जाएगा। ये इसका जो सॉयल है ये वेल्डेंट सॉयल होना चाहिए और इसमें बहुत ही कम जो है पानी इसको चाहिए। जब ऊपर का सॉयल बिल्कुल ड्राई हो जाता है तब इसको आप पानी दीजिए तो ये अच्छी तरह ग्रो कर जाएगा। तो ये ब्राइट लाइट में जहाँ शेडी एरिया में एक इंडोर प्लांट है आप इसको ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्लांट के लिए। नेक्स्ट प्लांट जो है जो कि बहुत ही अच्छा एक प्लांट जो कि जेडे प्लांट है, तो ये जेडे प्लांट भी जो है आपके मतलब प्रॉस्पेरिटी और गुड लक के लिए बहुत अच्छा है। तो ये इस प्लांट को जो है ग्रो करना ये एक सकुलेंट होता है, इसका पत्ता जो है ये पत्ता थोड़ा मोटा मोटा होता है और इस पत्ते में जो है पानी इसमें होता है, तो इसलिए ये जो प्लांट है ये मतलब ज़्यादातर जो है ये कम मतलब इसको वाटरिंग करना चाहिए, तो ये बहुत अच्छी तरह मतलब कहना ग्रो हो जाता है। ऐसे मतलब इसको आप काट के मतलब बाई कटिंग्स आप इसको ग्रो कर सकते हैं। काट के आप सैंड में आप इसको रखेंगे, सैंड में डाल के रखेंगे तो ये कटिंग से ग्रो हो जाएगा आसानी से। तो ये जो है गुड लक एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, तो एक बहुत ही अच्छा एक लकी प्लांट है, आप इसको घर में आसानी से उगा सकते हैं। तो दोस्तों इसको आप घर में मतलब इंडोर में आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये गुड फॉर्च्यून के लिए भी माना जाता है, गुड फॉर्च्यून एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। दोस्तों नेक्स्ट प्लांट जो है ये है शमी प्लांट, ये भी एक मतलब ये भी एक लकी प्लांट्स मतलब माना जाता है। ये शमी प्लांट जो है ये बहुत ही पॉजिटिव जो है इसमें एनर्जी देते हैं और साथ में जो है एक अच्छा मतलब कहना ये आउटडोर प्लांट है। इसको आप पॉट में ग्रो कर सकते हैं और इसका जो फ्लावर है बहुत ही अच्छा कलर में फ्लावर आता है, और इसका जो ये पत्ता आप देख रहे हैं ये गणेश जी और शनिदेव जी का बहुत पसंद है, साथ में शिव जी को भी मतलब ये जो पत्ता है इस पत्ते तोड़ के आप देंगे तो वो भी शिव जी भी बहुत प्रसन्न हो जाता है। तो दोस्तों इसके ये भी एक लकी प्लांट माना जाता है घर के, ये शुभ होता है घर पे ग्रो करने का। ये ग्रोइंग मतलब जो है आसानी से ग्रो हो जाता है, आप कोई नर्सरी से आप इसका एक पौधा लाके आप किसी पॉट में आप इसको ग्रो कर कोई भी पॉट में आप इसको ग्रो कर सकते हैं या तो ग्राउंड में भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो है ये इसके पॉजिटिव एनर्जी के साथ साथ ये इसका जो पत्ता मैंने बोला आप पूजा में भी लगता है, जैसे शिव जी का बहुत पसंद है ये पत्ता। अभी साबुन का महीना चल रहा है, हर सोमवार को जो है एक एक पत्ता जो तोड़ के आप अगर शिव जी को देंगे तो ये बहुत ही मतलब आपका जो शिव जी बहुत ही प्रसन्न होगा और आपका भी अच्छा होगा। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट प्लांट। तो दोस्तों नेक्स्ट प्लांट जो है ये आप देख रहे हैं ये आंवला इंडियन गुजबेरी का प्लांट है। ये भी एक मतलब लकी प्लांट है, आप इसको घर पे ग्रो कर सकते हैं। माना जाता है कि ये इस प्लांट में जो है ये भगवान विष्णु का मतलब ये प्लांट को बहुत अच्छा मतलब पसंद है, लेकिन ये आउटडोर प्लांट है, आप इसको घर के ईस्ट साइड में मतलब कहीं जगह पे आप इसको ग्रो कर सकते हैं। तो ये आउटडोर में ये ग्रो होता है, आउटडोर में इसको आप ग्रो कर सकते हैं। तो जैसे मैंने ये पॉट में मतलब ये गमले में इसको ग्रो कर रहा हूँ, एक ज़मीन पे है जो कि मेरा साउथ ईस्ट में है, ये मैं पॉट में मतलब ग्रो किया तो अभी तक इसमें फल नहीं आया,
तो ये एक लकी प्लांट है, घर पे उगाना, इसको ग्रो करना बहुत ही अच्छा होता है, ये माना जाता है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा लकी प्लांट है, घर पे आप ग्रो करेंगे तो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सारा जितना मैंने बताया, 7 जो बेस्ट लकी प्लांट घर पे ग्रो करना बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही आसानी से आप ग्रो कर सकते हैं और घर की जो है पॉजिटिविटी एनर्जी इंक्रीज कर सकते हैं, साथ में एयर को भी प्योरीफाई कर सकते हैं और ऊपर से जो कि माना जाता है जो घर की प्रॉस्पेरिटी एंड गुड फॉर्चून के लिए ये सारे जो पौधे हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा जो चैनल है गार्डन लैपटॉप उसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा, आप उसको सबसे पहले देख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नया जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग।